रानी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम भोजपुरी गॉसिप्स में। और इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बताती हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खास खबरें जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, भोजपुरी के स्टार्स से जुड़ी हुई हैं। और भोजपुरी के स्टार्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनकी कौन सी फिल्म आने वाली है, कौन सा गाना आने वाला है, कौन सा एल्बम रिलीज हुआ है, कौन सा गाना हिट हो रहा है सोशल मीडिया पर, ये सारी जानकारियां हम आपको भोजपुरी गॉसिप्स में देते हैं। और साथ ही साथ भोजपुरी कुछ ऐसी खबरें बताते हैं जो कि चटपटे और मसालेदार होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम अपनी पहली खबर से। और जो पहली खबर है वो ये है कि आजकल जो प्रमोद प्रेमी जी हैं काफ़ी ज़्यादा आप प्रसिद्ध हो रहे हैं, लोग उनको काफ़ी ज़्यादा पहचान रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनकी हर एक फिल्म हिट जा रही है। उनकी जो पहली फिल्म थी चना जोर गरम वो भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई, और उसके बाद से एक के बाद एक इतनी सारी फिल्में वो करने लगे। तो अब उनके वो एक स्टार्स के बीच में जगह बना चुके हैं जैसा कहीं ऐसा लगता है, और लोग भी उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात उनकी ये होती है कि उनका जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और लोग उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो अपने फैंस से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और खुद को कभी ऐसा पेश नहीं करते कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जबकि बहुत बड़े सुपरस्टार वो बन चुके हैं, लेकिन फिर भी लोगों के सामने अपने आप को एक आम आदमी की तरह ही पेश करते हैं। और साथ ही साथ बता दें कि जैसे ही इनकी जो पहली फिल्म थी चना जोर गरम वो जैसे ही ट्रेंडिंग में आई, लोगों ने इसे बहुत लाइक किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और ये फिल्म हिट हुई। और हिट होने के बाद से इस फिल्म के हिट होने के बाद से उनको ढेरों फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे। इससे पहले प्रमोद प्रेमी जी भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स करते थे और छोटे मोटे एल्बम्स बनाते थे, लेकिन जैसे ही ये फिल्म आई कहीं ना कहीं ये फिल्म उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रही है। और यही बात कहीं ना कहीं वो भी ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि जो फिल्म है चना जोर गरम ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रही है। और वो भी क्यों ना, क्योंकि इस फिल्म के हिट होने के बाद से उन्हें ढेरों फिल्मों के ऑफर्स मिलने लगे और लोग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे, इनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया गया, इनके एल्बम्स तो लोग पसंद करते ही थे, ढेरों भक्ति सॉन्ग्स किए हैं इन्होंने, ढेरों सैड सॉन्ग किए हैं, रोमांटिक सॉन्ग किए हैं, और डीजे सॉन्ग किए हैं, काफ़ी सारे किए हैं। तो इनको बहुत सारी फिल्मों के ऑफर्स भी आए और इन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन भी की, काफ़ी ज़्यादा खुश थे और काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जो खास बात है, उनकी एक फिल्म आने वाली है और उसका जो पोस्टर है उन्होंने खुद ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया अपने फैंस के साथ। और बता दें इस फिल्म का जो नाम है वो है बॉर्डर के पार सजनी हमार। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म में बॉर्डर का सीन दिखाया जाएगा या फिर कुछ ऐसा, कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एक देश से दूसरे देश या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दूसरे स्टेट की लव स्टोरी है, टू स्टेट टाइप लव स्टोरी हो सकती है। तो देखेंगे कि ये फिल्म लोगों को कैसी अच्छी लगती है। वैसे प्रमोद प्रेमी जी की ज़्यादातर फिल्में अब लोगों को काफ़ी अच्छी लगने लगी हैं और प्रमोद प्रेमी जी भी अपने फैंस के बीच में जा करके अपनी जगह बनाने लगे हैं। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ जो अगली खबर है वो अपनी यशिका कपूर जी की है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यशिका कपूर एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि अपनी एक्टिंग का लोहा बहुत ही कम समय में मनवा चुकी हैं, बहुत सारे स्टार्स के साथ, भोजपुरी स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं, और जैसे खेसारी लाल हो गए, दिनेश लाल यादव, निरहुआ हो गए, इन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा स्टेज शेयर कर चुकी हैं, लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं यशिका कपूर जी को, और बेहद ही खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा हॉट हैं, अपने फिटनेस को लेकर हमेशा ख्याल रखती हैं, और लोग इन्हें इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि यशिका कपूर जी जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा हॉट हैं और नेचर वाइज भी बहुत अच्छी हैं, और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जो कि काफ़ी एक एक्टिंग या फिल्मी लाइन से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, तो इसलिए इनको लोग लाइक भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और आपको बता दें यशिका कपूर जी के बारे में, इनकी जो जोड़ी है ये खेसारी लाल यादव जी के साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, लोग इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर ऐसे भी ये नई हीरोइन है और इनकी जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, संघर्ष किया है फिल्मों में आने के लिए, लेकिन खेसारी लाल यादव जी के साथ एकदम से काम करना, इन्होंने डमरू से अपनी डेब्यू किया है फिल्म डमरू यानी खेसारी लाल यादव जी के साथ, और ये बहुत ही लकली होता है हर किसी के साथ कि कोई एकदम से डब करे और उसे
से किसी सुपरस्टार के साथ काम मिल जाए तो ये उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है और वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को नसीब वाला भी मानती हैं कि उनको खेसारी लाल यादव मिले, एक ही बार उनको खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करने का मौका मिला तो ये काफ़ी अच्छा था। वैसे यशिका कपूर एक्टिंग बहुत अच्छा करती हैं और उनको हर कोई काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता है। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं अपने गॉसिप्स प्रोग्राम में और जो अगली खबर है वो है अपनी मोनालिसा जी को लेकर के। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि मोनालिसा जी अपने हॉट अदाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा मानी जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं मोनालिसा को। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि मोनालिसा में कि वो अपने फैंस के साथ हमेशा बनी रहती है, सोशल मीडिया पे हमेशा अपना कोई ना कोई फ़ोटो वीडियो और ये सब कुछ ना कुछ शेयर करती रहती है ताकि उनके फैंस उनको हमेशा देखते रहें और उन्हें पसंद करते रहें। और साथ ही साथ उनके हॉट फोटोज़ की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आजकल मोनालिसा कुछ फ्री टाइम स्पेंड कर रही हैं अपने फैंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कहीं ना कहीं मोनालिसा हो सकता है कि दोबारा से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश कर रही हो। वैसे इनको हर कोई तो जानता ही है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इनकी सोशल मीडिया पे कुछ पिक्चर्स आई थी जिसको देख के लग रहा है कि मोनालिसा आजकल सामाजिक जीवन काफ़ी ज़्यादा बिता रही हैं। तो बता देते हैं आपको उन दो फोटोज़ के बारे में। जो पहली फ़ोटो है वो फोटो थी एक बच्चों के साथ मस्ती करते हुए और एक पॉन्ड था, वाटर पॉन्ड था और वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के साथ मस्ती कर रही हैं, पानी में नहा रही हैं फव्वारों के बीच में और बच्चे भी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि मोनालिसा जी के हॉटनेस के बड़े ही नहीं बच्चे भी दीवाने हैं। और सबसे बड़ी खास बात यही है मोनालिसा जी की कि हर कोई उनकी अदाओं का दीवाना हो जाता है। और फिर अभी एक दिन पहले ही उन्होंने एक फ़ोटो भी पोस्ट करी थी अपने इंस्टा अकाउंट पर, अभी आज ही या कल ही एक दिन पहले ही, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा हंसते हुए नज़र आ रही थी और साथ ही साथ अपने पोस्ट में भी लिखा था कि हैप्पी लाफ्टर डे। तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं अपनी लाइफ में, तभी लाफ्टर डे भी सेलिब्रेट कर रही हैं, जो कि कोई भी सेलिब्रेट नहीं करता। आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसके पास इतना टाइम है जो खुलकर हंस ले। लेकिन फिर भी मोनालिसा जी ने अपने फैंस को कहा है कि हैप्पी लाफ्टर डे, फैंस भी खुश हो जाएं क्योंकि ज़िंदगी में हंसना बहुत ज़रूरी है अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मोनालिसा जी ने ये बात अपने फैंस से कहने की कोशिश की है। तो फैन मोनालिसा जी के फैंस, हमेशा आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए और यही ज़िंदगी है। तो चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और जो अगली खबर है वो है अरविंद अकेला कल्लू जी से जुड़ी हुई। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल कल्लू काफ़ी ज़्यादा स्टेज शो करते हुए नज़र आते हैं, कभी फैंस के बीच में नज़र आते हैं, कभी सोशल मीडिया पे फोटोज़ डालते हैं, कभी उनकी कोई नई एल्बम आती है तो कभी उनका कोई गाना आता है, ऐसे ऐसे करके उनके ढेरों कहीं ना कहीं जो सॉन्ग्स हैं और ये सब सॉन्ग्स एल्बम फिल्में आती रहती हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो इसीलिए जो है अरविंद अकेला कल्लू काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छे लगते हैं, आजकल उनका सिक्का चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ऐसा भी कहा जाता है। तो बता दें आपको कल्लू जी के बारे में उन्होंने क्या किया है। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर एक फ़ोटो शेयर करी और फोटो में अरविंद अकेला कल्लू जी अकेले ही नहीं हैं, उनके साथ हैं रितेश पांडे जो कि भोजपुरी के अच्छे खासे एक्शन मैन कहे जाते हैं, एक्शन किंग कहे जाते हैं। तो रितेश पांडे और अरविंद अकेला कल्लू कहीं ना कहीं इन दोनों की फ़ोटोज़ किसी फिल्म की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ ऐसी कोई खबर नहीं आई तो हम कह भी नहीं सकते कि कोई सी फिल्म में। हो सकता है कि कहीं पर मिले हों और दोस्ती काफ़ी अच्छी हो इन लोगों के बीच में, इसलिए इन लोगों ने फ़ोटो शेयर की है। खैर जो भी हो, आजकल अरविंद अकेला कल्लू का सिक्का चल रहा है भोजपुरी में और उनकी अभी कुछ टाइम पहले ही एक फिल्म आई थी सरकायले और खटिया जाड़ा लगे, जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था, काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था। और साथ ही साथ रितु सिंह और अरविंद अकेला कल्लू की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आती है और कई सारी फिल्मों में दोनों साथ में ही काम करते हुए नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जोड़ी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और 4-5 दिनों बाद इस फिल्म का अच्छा खासा फाइनल भी हो गया था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था इस फिल्म को और कुछ ही दिनों में काफ़ी अच्छी कमाई कर ली थी इस फिल्म ने। तो आजकल कल्लू के बहुत सारे एल्बम सॉन्ग्स भी आ रहे हैं जो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं और लोगों के साथ
कल्लू हमेशा बने रहते हैं अपने फैंस के साथ, बने रहते हैं अपने फैंस के साथ, सारी बातें शेयर करते हैं और लोग भी इनसे बातें करना और इनके साथ इनको लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो चलिए अगली फोटो की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगली खबर है वो है हमारी काजल राघवानी जी की। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि काजल राघवानी हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बनी रहती है और उनकी ज़्यादातर बातें बहुत ही इमोशनल होती हैं और बहुत ही कैची होती हैं, लोग उनको इसीलिए काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और यही बात एक बार फिर से काजल के सामने निकल कर आई है, लोगों ने उनको ढेर सारा प्यार भी दिया है। बता दें कि काजल काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी एक्ट्रेस हैं और हमेशा अपने फैंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बनी रहती है और लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस बार भी काजल राघवानी ने एक फ़ोटो शेयर की अपने पिताजी के साथ, जैसे जिसमें साफ दिखता है कि वो अपने पिताजी से कितना प्यार करती हैं और साथ ही साथ उनके पिताजी भी उन पर काफ़ी फ़ख्र करते हैं। आखिर बेटी ही इतनी अच्छी है जो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, तो जाहिर सी बात है फ़ख्र करने की तो बात होती ही है। लेकिन काजल हमेशा इमोशनली अटैच्ड रहती है अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से या फिर किसी से भी, बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहती है इमोशनली। तो चलिए आज के हमारे गॉसिप प्रोग्राम में इतना ही और अगली बार मैं फिर से हाजिर होंगी आप लोगों के सामने गॉसिप्स, भोजपुरी गॉसिप्स लेकर के, और अगली बार भी कुछ ऐसी खबरें, चटपटी और मसालेदार खबरें लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग देखते रहिए नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।